नमस्कार, मैं दीक्षा विष्ट उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भी, योग विभाग द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 1 जून 2021-2024 से इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 जून 2024 से 21 जून 2024 तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त योग विभाग के पूर्व व वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा भारत के विशेष और दूरस्थ राज्यों में निशुल्क योग शिविरों का आयोजन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के तत्वाधान में किया जा रहा है। भारत के समस्त राज्यों में योग विभाग के पूर्व व वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी निशुल्क योग शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और इसी क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों व अन्य शिक्षार्थियों के लिए किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 16 जून से 20 जून तक विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसकी विस्तृत चर्चा योग विभाग से सहायक प्राध्यापक श्रीमती नीता देवलिया आपसे करेंगी। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो है वो है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, अर्थात स्वयं व समाज के लिए योग। तो योग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि इसमें समाज को भी जोड़ना है, ताकि इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हम पूरे समाज को कर सकें। तो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा भी, योग विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया। जैसा कि मेरी साथी दीक्षा बिष्ट मैम ने आपको बताया कि हमारे जो पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी थे और जो अभी वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, क्योंकि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अलग अलग राज्यों से जो हमारे शिक्षार्थी हैं वे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और निरंतर उनके द्वारा 1 जून से प्रयास किया जा रहा है अपने अपने क्षेत्र में, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में वे योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि लगातार 21 जून तक चलाया जाएगा। जैसा कि आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा भी काउंटडाउन शुरू हो गया था, तो हमारे द्वारा भी जो काउंटडाउन था योग दिवस का 21 जून का, वो 1 जून से प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां थी हमारे विश्वविद्यालय परिसर में भी, अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। आज तक की हमारी प्रतियोगिता रही उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, जो कि 15 जून से प्रारंभ हो गई थी। 15 जून को सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्य किया गया। इसके द्वारा जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग से संबंधित प्रतियोगिताओं थी उनका शुभारंभ किया गया। हमारे स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर जितेन पांडे सर द्वारा तथा मानवीय विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर रेणु प्रकाश मैम के द्वारा द्वीप प्रज्वलन किया गया, और जिसमें हमारे योग विभाग के सभी शिक्षक और शिक्षार्थी तथा जितने भी प्रतिभागी थे वे मौजूद थे। उसके पश्चात ध्यान सत्र का आयोजन किया गया 15 जून को ही, जिसमें विश्वविद्यालय के जो भी हमारे कर्मचारी थे, शिक्षक थे, वे उपस्थित थे और एक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया था, जो कि आधे घंटे का ध्यान सत्र था। और इस प्रकार हमारा 15 जून को योग दिवस का जो पहला कार्यक्रम था वो मनाया गया। और इसी प्रकार साप्ताहिक कार्यक्रम में 16 जून को निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हम पूर्व से ही प्रयास कर रहे थे और विभिन्न माध्यमों से हमने सूचनाएं प्रदान की थी, तो जो पंजीकरण था वो टोटल 16 लोगों ने किया, जिसमें कि 16 के 16 लोग उपस्थित रहे और निबंध प्रतियोगिता हमारी आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता में जो विषय थे वो हमारे द्वारा दिए गए थे, उन्हें उसी समय टॉपिक दिए गए, कुछ विषय पर निबंध लेखन का कार्य उनको करना था, जिसके लिए हमने उन्हें 4 विषय दिए थे।
पहला था योग एवं महिला स्वास्थ्य, दूसरा विषय था स्वनिर्माण में योग की भूमिका, तीसरा समग्र स्वास्थ्य हेतु योग, चौथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान की भूमिका। तो इन पर शिक्षार्थियों ने और साथ ही शिक्षार्थियों के अलावा जो अन्य योग के प्रति रुझान रखते थे, रुचि रखते थे, उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया और अपने दृष्टिकोण, अपने विचार इसमें उन्होंने रखे। और अगले दिन 17 जून को योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 27 से 30 लोगों ने पंजीकरण कराया था और 27 लोग उपस्थित रहे। इसमें योग विभाग द्वारा शिक्षार्थियों को निश्चित समय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रदान की गई, जिसमें उन्हें निश्चित समय पर उसे हल करना था। तो इस प्रकार हमारा जो योग प्रश्नोत्तरी का प्रतियोगिता थी वो आयोजित की गई। अगला 18 जून को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित थीम बताई गई थी और उससे संबंधित विषय पर उन्हें पोस्टर बनाना था। तो प्रतिभागियों द्वारा अलग अलग पोस्टर बनाए गए, इसमें बच्चे भी थे और जो महिलाएं थी वे उन्होंने भी प्रतिभाग किया, साथ ही जो स्कूल के बच्चे थे उनके अभिभावक थे, तो सभी ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय रहा क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं और ये एक अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा योग में रुचि दिखाई गई और हमारा भी निरंतर प्रयास रहा कि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े, साथ ही उनके अभिभावकों ने भी साथ में मिलकर पोस्टर बनाए और इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। उसके अलावा हमारा आज 19 जून को योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। योगासन प्रतियोगिता में जूनियर व सीनियर वर्ग निर्धारित किए गए थे, उन्हें यहां पर कुछ चयनित आसन दिए गए थे जो उनको करने थे और साथ ही कुछ वैकल्पिक उच्च स्तरीय अभ्यास जिनके लिए वे अभ्यस्त थे वे उनको करने थे। तो इस प्रकार आज की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें कि 5 वर्ष से लेकर जूनियर जो वर्ग था, 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के महिला व पुरुष उन्हें प्रतिभाग किया और उसके अलावा जो सीनियर वर्ग था उसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल थे। तो प्रतिभागियों में 60+ जो थे उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा क्योंकि योग केवल न करने की बात है, उन्होंने इसमें प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हमारे प्रतिभागियों में सीनियर सिटीजन्स भी शामिल थे और इस प्रकार हमारी जो योग सप्ताह का कार्यक्रम था, आज जो उसका 6ठा दिन है, निरंतर प्रतियोगिताएं चलती रही और प्रतिभाग किया गया हमारे प्रतिभागियों द्वारा और कल सामूहिक योग अभ्यास करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो सामान्य प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास किया जाएगा और उसी में ही हमारा जो पुरस्कार वितरण है प्रतियोगिताओं का वो किया जाएगा और उसकी विस्तृत चर्चा आगे की श्रृंखला में हम करेंगे। आपसे कुछ और चर्चा भी हम करना चाहेंगे कि जो हमारी विविध प्रतियोगिताएं थी, जो विविध कार्यक्रम थे, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। यदि हम बात करें तो गृहिणी, साथ ही हमारे शिक्षार्थी, तो जो अधिकतम संख्या थी हमारी महिलाओं की रही और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय रहा कि इसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर प्रयास किया गया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति जुड़े ताकि जिससे पूरा समाज प्रभावित हो, लाभान्वित हो। और इसी प्रकार योग सप्ताह का आज अंतिम दिवस है और आप सभी को हम कल के सामूहिक योग अभ्यास के लिए भी आमंत्रित करते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की योग विभाग की ओर से मैं हमारे समस्त श्रोतागण व हमारे आसपास के जितने लोकल के जो लोग हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगी कि वो कल विश्वविद्यालय परिसर में हमारे साथ जुड़ें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे हमारे साथ योग अभ्यास करें और जो विश्वविद्यालय में जो विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई उनका जो निर्णय होगा वह भी कल ही बताया जाएगा और जो हमारे समस्त प्रतिभागी हैं
उनमें से जिन्होंने भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है उनको सम्मान और अन्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।